वेलकम यू ऑल इन लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज इस लेक्चर में हम लोग इन्वायरमेंट लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ दी वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974। इस लेक्चर के लिए बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी तो हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे। आपके अगर कोई भी एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक है तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। हम लोग इसको पूरा, जितने भी इसके सब टॉपिक्स हैं, हम सारे ही इस लेक्चर में कवर करेंगे, राइट। एंड उस वजह से हो सकता है लेक्चर का लेंथ थोड़ा लंबा हो जाए, बट इट इज़ ऑल वर्थ लिसनिंग, आई एम टेलिंग यू, राइट। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो हियर इज़ द सिनॉप्सिस। We'll see the introduction first, when it has been enforced, what is its meaning and everything. Then aims and objectives, the features of the act, the definition clause, the agencies. There are three main agencies, or not three actually, there are main two agencies, central board and state board. जो कि पूरा जो mechanism है water pollution control act का, how to prevent and control water pollution, उसके ऊपर काम करती हैं। तो हम इन दो agencies को detail में जानेंगे, इसमें कौन कौन से members होते हैं, क्या क्या इनका specific roles होते हैं। Further जितने भी मेंबर्स होते हैं इन बोर्ड्स के, उनका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होता है, हाउ दोज मेंबर्स कैन बी डिसक्वालिफाइड, हाउ द मीटिंग्स आर हेल्ड, कौन कौन सी सर्टेन कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं और किस पर्पस से कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं, पावर जो है बोर्ड के पास या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है डायरेक्शंस देने की, दैट वील डिस्कस। द प्रोसीजर ऑफ अपील वील डिस्कस, के जो भी डिसीजंस या अवार्ड्स या ऑर्डर्स बोर्ड्स ने रिलीज़ किए हैं उसके फर्दर अपील किस में आप ले जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसके अंदर काफ़ी सारे रेलिवेंट प्रोविजन्स हैं, वील डिस्कस दैट। देन द पेनल्टीज और सेंक्शंस पार्ट, कि अगर कोई पर्सन वॉयलेशन करता है इसके प्रोविजन से तो उसको क्या क्या पेनल्टीज इम्पोज की जाएंगी। लास्ट वील सी सम इम्पॉर्टेंट केस लॉज एंड देन वील सी द कॉन्क्लूजन, राइट। तो दीज आर द थिंग्स दैट वील डिस्कस इन दिस वीडियो। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। So the Parliament enacted the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. हमारे कंट्री का जो सुप्रीम लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट, उन्होंने इस लेजिस्लेशन को, दैट इज़ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 को इनेक्ट किया, पास किया। एंड इट केम इन टू फोर्स ऑन 23 मार्च 1974। इसकी डेट याद रख लो, ये इन्फोर्समेंट में आया, ये लागू हुआ 23 मार्च 1974 को, विद द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड द मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द होलसमनेस ऑफ वाटर, राइट। तो ये किस ऑब्जेक्टिव के साथ इन्फोर्स हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव था कि वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है हमारी कंट्री में उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सके, उसको कैसे रोका जा सके, राइट। एंड ऑल्सो हाउ टू मेंटेन द होलसमनेस ऑफ वाटर, होलसमनेस मतलब हाउ टू मेंटेन दैट द यू नो नेचुरल क्वालिटी ऑफ द वाटर, उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, उसको कैसे मेंटेन किया जाए। सो विद दिस ऑब्जेक्टिव दिस लेजिस्लेशन हैज़ बीन इन्फोर्स, और ये लेजिस्लेशन अमेंड हो चुका है लास्ट 1988 में, राइट। द एक्ट हैज़ टोटल 64 सेक्शंस विच आर कंपाइल्ड इन 8 चैप्टर्स। तो इस एक्ट के अंदर 64 सेक्शंस हैं और 8 चैप्टर्स हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम 1 to 64 सारे सेक्शंस कवर करें, बट हाँ जितने भी मोस्ट रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। द राइजिंग वाटर पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक एक्टिविटीज बिकेम अ कॉज ऑफ कंसर्न लीडिंग टू द इनेक्शन ऑफ दिस लेजिस्लेशन। ये जो बढ़ता जा रहा है वाटर पोल्यूशन ड्यू टू द कॉजेज ऑफ द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जो सेटअप हो रही हैं, इसके अलावा बहुत सारी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ जो यू नो हाउस पोल्यूशन रिलीज होता है, डोमेस्टिक पोल्यूशन जो रिलीज़ होता है थ्रू सीवेज एट्सेट्रा, तो उसकी वजह से जो वाटर पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है और वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अलार्मिंग स्टेज पर पहुँच चुका है, जहाँ पर ज़रूरत है दैट वी नीडेड टू हैव अ लेजिस्लेशन लाइक दिस, एंड दैट वॉज द रीज़न द पार्लियामेंट पास दिस एक्ट, राइट। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाटर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वाटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है, राइट। जो तीन लिस्ट है ना स्केड्यूल 7 में, उसमें ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, लिस्ट 2 का पार्ट है। द सेंट्रल गवर्नमेंट देयरफॉर कैन नॉट पास एनी लेजिस्लेशन पर्टेनिंग टू स्टेट सब्जेक्ट अनलेस सच अ लेजिस्लेशन इज अप्रूव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं है कि वो कोई भी लॉज स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाए
लेकिन हाँ वो तब बना सकते हैं जब स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी अप्रूवल दे देती हैं टू मेक एंड पास सच अ लेजिस्लेशन, राइट। तो हियर इस पॉइंट को बताने का मोटिव था कि जो वाटर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, सो प्राइमरीली स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक द लॉज एंड रूल्स फॉर द वाटर। दिस एक्ट वॉज पास आफ्टर अ मजॉरिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दिस लेजिस्लेशन। तो पहले जब ये बन गया था उसके बाद एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया गैजेट में, तो फिर कई सारे स्टेट्स से, सभी स्टेट्स से उनका एक ओपिनियन मांगा गया था। सो जब मजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स ने इस लेजिस्लेशन को एक्सेप्ट कर लिया था, लाइक असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एट्सेट्रा, फिर उसके बाद ही ये एक्ट जो है वो इन्फोर्समेंट में आया था, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा जनरल एंड इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन। आई होप इसमें बहुत सारी चीज़ें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग जानते हैं कि इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो पहला, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, वेरी बेसिक, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना और प्रिवेंट करना, ठीक है। टू मेंटेन द होलसमनेस ऑफ वाटर, दैट इज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वाटर सो दैट इट्स कंजम्पशन एंड द यूज बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉट हैम्पर्ड। होलसमनेस का मतलब है कि जो वाटर की नेचुरल क्वालिटी है वो मेंटेन रहे ताकि लोगों को उसे कंज्यूम करने में, उसका यूज़ करने में कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े। तो ये ऑब्जेक्टिव भी है, इसके लिए मेजर्स लिए जाते हैं थ्रू द प्रोविजंस दैट आर बीइंग और द स्टेप्स टेकन अप बाय द स्टेट और सेंट्रल बोर्ड्स सेट अप अंडर दिस एक्ट। फर्दर टू एस्टेब्लिश सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, वही चीज़ की प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन के लिए सेंटर और स्टेट बोर्ड जो है सेटअप किए जाते हैं इसमें। एंड टू एम्पावर द बोर्ड्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, और इन बोर्ड्स को एम्पावर भी किया करना एक इसका ऑब्जेक्टिव है। फर्दर टू प्रोवाइड द पेनल्टीज फॉर ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ दिस प्रोविजन, और जो भी इस एक्ट के प्रोविजन्स को, के रूल्स को, जो के आस्पेक्ट्स को ब्रेक करता है, उसका उल्लंघन करता है, वॉयलेशन करता है, तो उन लोग के लिए पेनल्टीज क्या क्या इम्पोज की जाएंगी, तो वो सब प्रोवाइड करता है ये एक्ट। एंड टू एस्टेब्लिश स्टेट वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज एंड डेवलप इट्स प्रोटोकॉल्स। इसके अलावा इस एक्ट के अंदर ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिसे बताते हैं कि कौन कौन सर्टेन लेबोरेटरी सेटअप किए जाएँ सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, वहाँ पे वाटर की सैंपल्स और टेस्टिंग वगैरह की जाए। तो इसका पर्पज़ ये भी है कि इस तरीके की टेस्टिंग लेबोरेटरी इस्टेब्लिश किए जाएँ एंड टू डेवलप इट्स प्रोटोकॉल्स। तो ये होगा इसके मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कि वाटर पोल्यूशन एक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट, द एक्ट गिव्स इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर यूज इन द एक्ट, लाइक स्ट्रीम्स, आउटलेट, सीवर, पोल्यूशन, ट्रेड एफ्लुएंस एट्सेट्रा। पहला फीचर ये है कि इस एक्ट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हुए थ्रू आउट द एक्ट उनकी डेफिनेशंस प्रोवाइडेड हैं, जैसे कि स्ट्रीम्स, आउटलेट, सीवर, पोल्यूशन एट्सेट्रा, इन सारे टर्म्स की। सेकेंड, establishment of central and state boards for pollution control under section 3 and 4 of the water act. इसके अलावा इसका दूसरा फीचर है कि इसमें सेंट्रल और स्टेट बोर्ड सेटअप किए गए हैं फॉर द कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन अंडर सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ द एक्ट। थर्ड फीचर, द एक्ट हैज़ अ प्रोविजंस बाय विच अ जॉइंट बोर्ड ऑफ टू और मोर कंटीजियस स्टेट्स कैन ऑल्सो बी सेटअप। इसमें प्रोविजन है कि अगर दो से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं चाहे मिलके कि हम जॉइंटली काम करें किसी मेजर इशू पे, तो वहाँ पे ये प्रोविजन है कि हाँ जब दो से ज़्यादा स्टेट्स आपस में एग्री करते हैं तो देयर कैन बी द फॉर्मुलेशन ऑफ अ जॉइंट बोर्ड। तो एक्ट में इस चीज़ का भी प्रोविजन प्रोवाइडेड है। फर्दर, द क्वालिफिकेशन टर्म्स कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड आर स्पेसिफाइड इन द एक्ट, एट द सेम टाइम द कंडीशंस फॉर द डिसक्वालिफिकेशन आर ऑल्सो स्पेसिफाइड। इसके अलावा ये एक्ट जो है कि कौन कौन जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उनका टेन्योर ऑफ वर्किंग रहेगा, क्या उनकी सर्विस की कंडीशंस रहेंगी, किस ग्राउंड पे वो डिसक्वालीफाई हो सकते हैं, कैसे वो रेजिग्नेशंस दे सकते हैं, तो ये सारे प्रोविजंस जो हैं इस एक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं। फिफ्थ, सम पावर्स आर कन्फर्ड ऑन दीज बोर्ड सो दैट दे कैन वर्क इफेक्टिवली एंड क्रिएट अ डिटरेंस। इसके अलावा जो बोर्ड सेटअप किए जाते हैं उनको कुछ इंपॉर्टेंट और नेसेसरी पावर्स प्रोवाइड की जाती हैं, उनको फंक्शंस तो हैं ही परफॉर्म करने, इसके साथ साथ उनको पावर्स भी दी जाती हैं जो कि नेसेसरी हैं फॉर देयर इफेक्टिव वर्किंग, राइट। प्रोविजंस फॉर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द बोर्ड इज गिवन टू द इंडिविजुअल पर्सन अफेक्टेड बाय द एक्ट। इसके अलावा इस एक्ट में अपील का प्रोविजन भी प्रोवाइडेड है कि अगर कोई भी पर्सन अफेक्टेड हुआ है बाय द डिसीजन ऑफ द बोर्ड्स तो वहाँ पे वो इसके उस डिसीजन के अगेंस्ट अपील ले जा सकता है, राइट। सेवन, द एक्ट प्रोवाइड्स द
इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज फॉर द ऑफेंसेज डिफाइंड इन द एक्ट. इसके अलावा एक्ट जो है पेनल्टी की प्रोविजन ही प्रोवाइड करता है कि अगर कोई पर्सन वॉयलेट करता है इस एक्ट के प्रोविजंस को तो उसके ऊपर कैसे पेनल्टीज जो है वो इम्पोज की जाएंगी. राइट, पेनल्टी मतलब बेसिकली द पनिशमेंट्स. इसके अलावा सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट सेज दैट इफ द स्टेट बोर्ड फील्स दैट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट नीड्स नॉट टू अप्लाई टू सम पार्ट ऑफ द स्टेट इट मे रिकमेंड द स्टेट गवर्नमेंट टू डू सो. इसके अलावा सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग अगर स्टेट बोर्ड को लगता है कि स्टेट के कुछ कुछ एन्यूमरेटेड पार्ट्स में कुछ प्रोवाइडेड पार्ट्स में ये एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई ना हो, राइट, उनकी एप्लीकेबिलिटी ना हो, तो उसके लिए वो स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दे सकता है. राइट, ये भी इसका एक फीचर है. इसके अलावा एज पर सेक्शन 51 एंड 52 अंडर दीज सेक्शंस द एक्ट सेट अप द सेंट्रल वाटर लेबोरेटरीज एंड स्टेट वाटर लेबोरेटरीज. और इस एक्ट में सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी और स्टेट वाटर लेबोरेटरी इस्टेब्लिशमेंट के भी प्रोविजन प्रोवाइडेड है. एंड द लास्ट फीचर इज सेक्शन 8 दैट इज अ बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. सो दिस बार इज अ सिविल कोर्ट एनी ज्यूरिसडिक्शन इन एंटरटेनिंग द मैटर्स पर्टेनिंग टू द अपील्स अंडर दिस एक्ट बाय स्टेटिंग दैट नो सिविल कोर्ट शैल हैव द ज्यूरिसडिक्शन to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which an appellate authority constituted under this act is empowered to determine. मतलब कि कोई भी सिविल कोर्ट के पास jurisdiction नहीं है कि वो उन suits को deal करे, उन proceedings को deal करे, उन matters से related जो कि इस act के अंदर authority बनाई हुई है, appellate authority वो deal करती हैं, उनको determine करने का power जो है उन authorities के पास है जो कि इस act के अंदर constitute की गई हैं. अगर वो उनका jurisdiction है तो civil court का उसमें कोई भी role नहीं होगा. Civil court has no jurisdiction and no injunction shall be granted by any court or authority in respect of any action taken इन पर्सपेंस ऑफ एनी पावर कन्फर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट. मतलब अगर कोई भी तरीके का ऑर्डर रिलीज किया है या कोई भी अवार्ड या कोई भी पनिशमेंट इम्पोज की है इस एक्ट के अंदर जो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट है उसने, तो उसके अगेंस्ट किसी भी तरीके का इंजंक्शन ऑर्डर या कुछ भी और एक्शन नहीं लिया जाएगा बाय एनी अदर कोर्ट और अथॉरिटी. राइट, तो ये एक तरीके से बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है अपॉन दी अथॉरिटीज और द सिविल कोर्ट्स और द कोर्ट्स अदर देन दोज अथॉरिटी विच हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट. राइट, तो आई होप आप लोगों को फीचर्स समझ में आ गए होंगे. ये 10 इंपॉर्टेंट फीचर्स थे. इसके अलावा आप और भी फीचर्स डाल सकते हो, मतलब जो जो प्रोविजन आपने इसमें सीखा है जाना है वो सब आप डाल सकते हो. आप ये डाल सकते हो कि ये एक्ट कब इन्फोर्स हुआ, आप ये डाल सकते हो कि ये आफ्टर दी कंसल्टेशन और अप्रूवल ऑफ द स्टेट्स, जब मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स ने अप्रूव कर दिया उसके बाद ये पास हुआ, तो ये चीज़ें भी आप फीचर में डाल सकते हो. राइट, तो आई होप ये इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स क्लियर होंगे. अब हम लोग बढ़ते हैं डेफिनेशंस के टूवर्ड. तो हमारे एक्ट का जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन क्लॉज है. देर आर टोटल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 डेफिनेशन है इस एक्ट के अंदर. ए क्या कहता है, बोर्ड. ए बोर्ड के बारे में बात कर रहा है. बोर्ड मीन्स द सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड. यहाँ जहाँ कहीं भी बोर्ड वर्ड इस्तेमाल होगा वहाँ या तो सेंट्रल बोर्ड है या फिर स्टेट बोर्ड. नेक्स्ट, सेंट्रल बोर्ड क्या होता है, इट मीन्स द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3. तो वो बोर्ड जिसका नाम है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि सेक्शन 3 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, दैट इज डीम्ड एज कंट्रोल सेंट्रल बोर्ड. राइट, नेक्स्ट सी है आपका मेंबर. सो इट मीन्स अ मेंबर ऑफ अ बोर्ड एंड इंक्लूड्स अ चेयरमैन विद इन इट. तो मेंबर मतलब जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, और इस मेंबर टर्म के अंदर बोर्ड के चेयरपर्सन भी इंक्लूड होंगे, याद रखना आप. डी बात करता है ऑक्यूपायर की. तो अगर हम किसी फैक्ट्री या प्रिमाइसेस या इंडस्ट्री की बात करें तो वो व्यक्ति जो कि उस फैक्ट्री के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है दैट पर्सन इज़ नोन एज ऑक्यूपायर. या अगर हम फैक्ट्री के अलावा किसी सब्सटेंस की बात करें तो वो पर्सन जिसके पास उस सब्सटेंस का पोजेशन है, ठीक है, कंट्रोल है, सो दैट पर्सन इज़ नोन एज ऑक्यूपायर. देखो, इन रिलेशन टू एनी फैक्ट्री और प्रिमाइसेस द पर्सन हु हैज़ द कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री और प्रिमाइसेस इज नोन एज ऑक्यूपायर. एंड इन रिलेशन टू एनी सब्सटेंस द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज अ ऑक्यूपायर. नेक्स्ट, डी टॉक्स अबाउट आउटलेट. इट सेज इट इंक्लूड्स एनी पाइप और चैनल ओपन और क्लोज्ड कैरिंग सीवेज और ट्रेड एफ्लुएंस और एनी अदर होल्डिंग अरेंजमेंट विच कॉजेज और इज लाइकली टू कॉज द पोल्यूशन. आपने देखा होगा हमारे घरों में से पाइप्स निकल रहे होते हैं, चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू जो है
अगर घर की बात करें तो सीवेज रिलीज हो रहा होता है. सीवेज मतलब क्या होता है? ऑल दोज वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द पीपल्स बॉडी जो कि हमारे वॉशरूम्स में से रिलीज होता है घरों के या फिर और प्रिमाइसिस के, तो वो जो जिस पाइप से या जिस चैनल से वो सीवेज रिलीज होता है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज आउटलेट. वो एक होल्डिंग अरेंजमेंट होता है बेसिकली, राइट. या फिर अगर हम फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज की बात करें तो जो भी ट्रेड एफ्लुएंट्स मतलब कि जितना भी कमर्शियल एरियाज से जो भी वेस्ट डिस्चार्ज होता है, वो जो रिलीज होता है, वो जो पास होता है जिस जगह से, दैट पाइप और चैनल इज नोन एज आउटलेट. क्लियर? नेक्स्ट, पोल्यूशन क्या होता है भाई? पोल्यूशन मीन्स कंटेमिनेशन ऑफ वाटर. कंटेमिनेशन मतलब मेकिंग द वाटर इम्प्योर और मेकिंग द वाटर अनक्लीन. सो वो कंटेमिनेशन, वो प्रोसेस या वो एक्टिविटी जिसके थ्रू से वाटर का जो यू नो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रहा है, वो अनप्योर हो रहा है, अनक्लीन हो रहा है, सो दैट इज़ नोन एज पोल्यूशन. और इट इज़ ऑल्सो मीन्स सच ऑल्टरेशन ऑफ द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर और सच डिस्चार्ज ऑफ एनी सीवेज और ट्रेड एफ्लुएंट और एनी अदर लिक्विड गैसियस और सॉलिड सब्सटेंस इन टू वाटर विच इज़ लाइकली टू क्रिएट अ न्यूसेंस और रेंडर सच हार्मफुल, इंजरियस टू पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी और टू डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और लेजिटिमेट यूज और टू द लाइफ ऑफ द हेल्थ ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. मतलब वाटर का ऐसा कंटामिनेशन होना या वाटर की प्रॉपर्टीज में ऐसा ऑल्टरेशन होना या फिर जो भी सीवेज या ट्रेड इन्फ्लुएंस रिलीज होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं इनटू वाटर, उसकी वजह से जो न्यूमिसेंस अराइज होता है, जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, जो फेस करती है सोसाइटी और सोसाइटी के लोग, जो कि इंजरियस हैं उनकी हेल्थ के लिए, जो इंजरियस है बाकी जो भी यूजेस होते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ द कंजम्पशन ऑफ वाटर, फॉर द हेल्थ ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. तो ऐसा जो यू नो न्यूमिसेंस अराइज होता है, ये जो हार्म कॉज होता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूट द वाटर पोल्यूशन, राइट. आई होप आपको वाटर पोल्यूशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. ये वाटर पोल्यूशन एक्ट के 2E में प्रोवाइडेड है, राइट. नेक्स्ट, प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एज अ केस मे बी बाय द स्टेट गवर्नमेंट. प्रिस्क्राइब मतलब कि वो सारे रूल्स हैं जो कि इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हैं. प्रिस्क्राइब मतलब कि हाँ, इट इज़ समथिंग टू बी डन, ऐसा करना है, इट इज़ टू बी डन. तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी डायरेक्शन रिलीज की है या स्टेट गवर्नमेंट ने. सच प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द रूल्स इज नोन एज प्रिस्क्राइब्ड, राइट. नेक्स्ट है जी आपका सीवेज एफ्लुएंट. तो मैंने बताया सीवेज क्या होता है. सीवेज मतलब द वेस्ट मटीरियल दैट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द हाउसेज, राइट. सीवेज एफ्लुएंट मीन्स द एफ्लुएंट फ्रॉम एनी सीवरेज सिस्टम और सीवेज डिस्पोजल वर्क्स एंड इंक्लूड सलेज फ्रॉम द ओपन ड्रेन. सलेज क्या होता है? सलेज मीन्स वेस्ट फ्रॉम द हाउस होल्ड, जो द एक्सक्रीटा जितना रिलीज होता है, राइट. तो वो सारा जो भी गंदगी होती है दैट रिलीज फ्रॉम द ओपन ड्रेन, दैट इज नोन एज द सीवेज एफ्लुएंट्स. सीवर क्या होता है? सीवर मीन्स अ कंडूइट पाइप और चैनल, ओपन और क्लोज, कैरिंग सीवेज और ट्रेड एफ्लुएंट. अच्छा, कंडुइट पाइप क्या हुआ आपका? कंडुइट पाइप मीन्स कोई भी ऐसा पाइप जिसके थ्रू वाटर, लिक्विड या गैस या वायर पास हो सके, ठीक है. कोई भी ऐसा पाइप, दैट इज़ कंडुइट पाइप. तो सीवर का मतलब है या तो कंडुइट पाइप या चैनल, चाहे वो ओपन है चाहे क्लोज है, जो कि कैरी करता है सीवेज या फिर ट्रेड एफ्लुएंट्स, ठीक है ना. स्टेट बोर्ड, एच स्टेट बोर्ड की बात करता है. इट मीन्स अ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, ठीक है. वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि सेक्शन 4 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, दैट इज द स्टेट बोर्ड. नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट. सो इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी, इट मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटर देयर ऑफ अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें ये बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट में क्या इंक्लूड होगा. तो यहाँ बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 में अपॉइंट किया जाता है. सो इन टर्म्स ऑफ यूनियन टेरिटरी दैट एडमिनिस्ट्रेटर इज टर्म्ड एज द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाते हैं. जैसे कि स्टेट में तो आपके CM होते हैं, गवर्नर होते हैं, बाकी मिनिस्टर्स होते हैं, तो दैट रिप्रेजेंट द स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन अगर हम यूनियन टेरिटरी के एस्पेक्ट में बात करें, सो दैट एडमिनिस्ट्रेटर दैट इज़ अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 इन यूनियन टेरिटरी, दैट पर्सन इज नोन और डेपिक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट, द वर्ड स्टेट गवर्नमेंट.
फर्दर जे है स्ट्रीम। तो स्ट्रीम में क्या क्या इंक्लूड होता है भाई? स्ट्रीम इंक्लूड्स रिवर, वाटर कोर्स, इनलैंड वाटर, सबटेरेनियन वाटर, सी और टाइडल वाटर्स एज अ केस मे बी, टू सच एक्सटेंट, टू सच पॉइंट एज अ स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई। तो स्ट्रीम में आपका जहाँ कहीं भी अगर पूरे एक्ट में स्ट्रीम मेंशन है तो उसमें रिवर्स भी इंक्लूड हैं, जो वाटर कोर्स चाहे कोई भी ऐसे जहाँ पे पानी भरा हुआ, चाहे वो सूखी जगह है, चाहे वो फ्लोइंग जगह है, ठीक है, चाहे इनलैंड वाटर है मतलब बीनीथ द लैंड, जैसे कि वाटर इन द लेक्स रिवर्स और विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, राइट। सबटेरेनियन वाटर्स मतलब कि अंडरग्राउंड वाटर थ्रू टनल्स एट्सेट्रा, टाइडल वाटर, सीज, वो सारे वाटर बॉडीज जो कि स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट और इंक्लूड्स विद इन द टर्म स्ट्रीम, राइट। और जो लास्ट हमारी डेफिनेशन है ऑफ दिस एक्ट इज ट्रेड एफ्लुएंट्स। और ट्रेड एफ्लुएंट मीन्स एनी लिक्विड गैस और सॉलिड सब्सटेंस विच इज़ डिस्चार्ज फ्रॉम एनी प्रीमाइसेस यूज्ड फॉर कैरिंग ऑन एनी इंडस्ट्री ऑपरेशन और प्रोसेस ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल सिस्टम अदर देन द डोमेस्टिक सीवेज। ट्रेड एफ्लुएंट बेसिकली वो सारा वेस्ट मटीरियल है, वेस्ट है जो कि डोमेस्टिक वेस्ट के अलावा है, राइट। क्योंकि डोमेस्टिक सीवेज को तो हम डोमेस्टिक सीवेज बोल रहे हैं ना, सीवेज एफ्लुएंट जनरली बोल रहे हैं, लेकिन ट्रेड एफ्लुएंट्स वो यू नो एफ्लुएंट्स हैं, वो वेस्ट मटेरियल है जो कि या तो लिक्विड फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में, या सॉलिड फॉर्म में है, विच इज़ डिस्चार्ज फ्रॉम सच अ प्रीमाइसेस जो कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ या कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है, राइट। दैट वेस्ट इज़ नोन एज द ट्रेड एफ्लुएंट्स। क्लियर? आई होप गाइज आप लोगों को डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी, राइट। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग एजेंसीज के टॉपिक के टूवर्ड्स। सो एजेंसीज फॉर कंट्रोलिंग द वाटर पोल्यूशन, देर आर टू एजेंसीज विच आर सेट अप एज पर द एक्ट फॉर द कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग द वाटर पोल्यूशन। तो मेनली दो एजेंसीज हैं जो कि इस एक्ट में सेटअप की गई हैं वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए। पहली है हमारी सेंट्रल बोर्ड और द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेक्शन 3 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है और बताया है कि इट इज़ कम्पोज ऑफ विच ऑल मेंबर्स। सो इट स्टेट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू अ नोटिस इन द ऑफिशियल गैजेट हैज़ द पावर टू असाइन और सेटअप अ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड नेम्ड एज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके सेटअप करेगी एक सेंट्रल बोर्ड जिसका नाम होगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। Now the composition of central board is as follows. अब कौन कौन से लोग इस बोर्ड में इंक्लूड होते हैं? पहला a chairperson who has the knowledge or a practical experience in dealing with the cases relating to the environment pollution. The chairman is to be nominated by the central government only. तो एक chairperson होगा, chairman होगा इस central board का जिसको central government ही nominate करेगी। ये वो person होगा जिसके पास एक good adequate प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होगी टू डील विद द केसेस रिलेटिंग टू द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन, राइट। इसके अलावा नॉट मोर देन 5 ऑफिशियल्स टू रिप्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा मैक्सिमम लिमिट है ये 5 ऑफिशियल्स की, कि 5 ऐसे ऑफिशियल्स होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। 5 से कम भी हो सकते हैं पर द मैक्सिमम लिमिट इज 5। इसके अलावा नॉट मोर देन 5 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ स्टेट बोर्ड। कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड के 5 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी कि दे शैल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ सेंट्रल बोर्ड, बट द मैक्सिमम लिमिट इज 5। 5 मेंबर्स मैक्स हो सकते हैं और उनको नॉमिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी फ्रॉम द स्टेट बोर्ड। देन मैक्सिमम 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर फिशरी ट्रेड और अदर इंटरेस्ट एज ए गवर्नमेंट डीम्स फिट। तो इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट 3 और मेंबर्स को अपॉइंट करेगी जो कि रिप्रेजेंट करेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ फिशरी एग्रीकल्चर और ट्रेड, मतलब उसमें एक्सपीरियंस होंगे या उनकी नॉलेज होगी, मैक्सिमम 3, उससे कम भी हो सकते हैं, राइट। इसके अलावा 2 पर्संस टू रिप्रेजेंट द कंपनीज और कॉरपोरेशंस ओन्ड कंट्रोल्ड और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा 2 व्यक्ति वो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओन्ड या कंट्रोल्ड कंपनीज या कॉरपोरेशंस को रिप्रेजेंट करते हों, 2 पर्संस, राइट।
And last, a full-time secretary who is having a complete knowledge, experience and qualification of scientific management and prevention of environment pollution. इसके अलावा एक full-time member secretary होगा क्योंकि appoint किया जाएगा by central government जिसके पास you know extensive, exhaustive definition knowledge या experience होना चाहिए, qualification होना चाहिए for the management and prevention of the environment pollution, right? तो अगर हम लोग ये मैक्सिमम को माने कि 5 के 5 अपॉइंट किए गए हैं तो टोटल कितने मेंबर्स हुए इसके? इट हैज़ 1+5+5+3+2+1 10 13 14 15 16 17 17 मेंबर्स टोटल इसमें अपॉइंट किए जाएंगे, मैक्स लिमिट है ये, क्योंकि अगर 5-5 अपॉइंट नहीं किए गए, कम किए गए, तो आपका 17 से कम मेंबर्स भी हो सकते हैं, बट द मैक्सिमम इज 17 मेंबर्स, राइट? तो ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड. अब सेंट्रल बोर्ड का स्टेटस क्या है, तो इसी सेक्शन के क्लॉज 3 बताता है. सेक्शन 3 क्लॉज 3 स्टेट्स दैट द सेंट्रल बोर्ड शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट. इस एक्ट के विद इन सेंट्रल बोर्ड एक कॉर्पोरेट बॉडी कंसिडर की जाएगी विद द सेम नेम. इट विल बी हैविंग अ परपिचुअल सक्सेशन. जैसे हम लोगों ने कंपनी लॉ में पढ़ा है ना कि एक कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, एक सील होता है, उसका परपिचुअल सक्सेशन होता है, मतलब कि इट विल नेवर एंड, मतलब इट विल कॉन्टिन्यू फॉर अ लॉन्गर टाइम और फॉर एवर, राइट? और इसके अलावा क्या नाम है, कंपनी के पास पावर होता है टू सू और टू बी सूड ऑन इट्स नेम, और इसको एज अ लीगल पर्सन कंसिडर किया जाता है. तो वो सारे सेम फीचर्स या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स सेंट्रल बोर्ड के रहेंगे बिकॉज इस एक्ट के विद इन सेंट्रल बोर्ड को एक कॉर्पोरेट बॉडी कंसिडर किया जाएगा. सो देयरफॉर इट विल ऑल्सो बी हैविंग द परपेचुअल सक्सेशन, अ कॉमन सील. इट विल बी हैविंग द पावर टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एंड टू कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है अपने नाम पे. इट मे इन द नेम ऑफ सेंट्रल बोर्ड सू और बी सूड, किसी को सू भी कर सकती है और सू हो भी सकती है. एंड दस द सेंट्रल बोर्ड इज़ अ लीगल पर्सन. इसीलिए सेंट्रल बोर्ड का कैरेक्टर है, स्टेटस है कि इट इज़ अ लीगल पर्सन, राइट? तो आई होप स्टेटस समझ में आ गया होगा. अब सेक्शन 16 जो है एक्ट का, वो सेंट्रल बोर्ड की मेन फंक्शंस के बारे में बताता है. सो लेट्स सी दैम क्विकली. पहला, इट एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर्स कंसर्निंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन. सेंट्रल बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है ऑन द मैटर्स कंसर्निंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन. इट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट बोर्ड्स एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स अमंग देम. ये स्टेट बोर्ड्स के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं उनको रिजॉल्व करता है, प्लस उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है. इट प्रोवाइड द टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द स्टेट बोर्ड्स, कैरी आउट एंड स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशंस एंड रिसर्च रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन. इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड जो है स्टेट गवर्नमेंट को गाइड करता है फॉर इट्स परफॉर्मेंस एंड फंक्शंस, इसको टेक्निकल असिस्टेंस इंश्योर करता है. इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड जो है बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट करता है, रिसर्चेस हेल्प करता है टू डील विद द और टू फाइंड आउट द मेजर्स फॉर द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन. कैसे वाटर पोल्यूशन, क्या क्या कारण हैं, क्या उनके रूट कॉजेज हैं, कैसे उनको कम कर सके, व्हाट आर द मेजर्स टू बी टेकन ऑन अ ग्राउंड लेवल, ऑन अ लार्जर लेवल, ऑन अ मीडियम लेवल, ऑन अ शॉर्ट स्पैन, लॉन्ग स्पैन, ठीक है, हाउ कैन वी प्रिवेंट एंड कंट्रोल देम एट द होल. इसके अलावा इट प्लान्स एंड ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन दी प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन. इसके अलावा कि जो भी पर्सन इन्वॉल्व हैं इन ऑल सच एक्टिविटीज़, उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या क्या यू नो व्हाट आर द प्लान्स नीडेड, उन सारे प्लान्स को बनाता है, ऑर्गेनाइज करता है. ऑर्गेनाइज थ्रू मास मीडिया कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम रिगार्डिंग दी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन. इसके अलावा मास मीडिया के थ्रू कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करता है सेंट्रल बोर्ड, कि कैसे यू नो प्रोग्राम्स होल्ड करा सके फॉर यू नो क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन. अपार्ट फ्रॉम दिस इट कलेक्ट्स, कंपाइल्स एंड पब्लिश द टेक्निकल एंड स्टेटिस्टिकल डेटा रिलेटिंग टू द वाटर पोल्यूशन एंड द मेजर्स डिवाइस फॉर इट्स इफेक्टिव प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. इसके अलावा क्या बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड जो है वाटर पोल्यूशन के जो भी स्टेटिस्टिकल फैक्चुअल डेटा हैं उनको पब्लिश करता है, कलेक्ट करता है, कंपाइल करता है. ये इसके सारे फंक्शंस हैं. और जो भी मेजर्स वगैरह लिए जाने हैं उन सब चीज़ों का जो डेटा है उसको कंपाइल करता है, पब्लिश करता है. प्रिपेयर द मैनुअल्स, कोड्स और गाइड्स रिलेटिंग टू द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज, ट्रेड एफ्लुएंस एंड डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन कनेक्टेड दैट. मतलब इसके अलावा किस तरह से यू नो सीवेज
पॉल्यूशन या ट्रेड एफ्लुएंट जो भी रिलीज़ हो रहे हैं, जो डिस्पोजल हो रहा है, उससे पॉल्यूशन कॉज ना हो, उसको कैसे इफेक्टिवली हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें, कंट्रोल कर सकें, उसके रिगार्डिंग जो भी मैनुअल्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं, कोड्स या गाइड्स प्रिपेयर करते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, उनको फिर अलग अलग जगहों पर उस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचाते हैं। तो ये सारा काम जो है वो सेंट्रल बोर्ड करता है, ठीक है। इसके अलावा इट लेज डाउन मॉडिफाई और एनल इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट द स्टैंडर्ड्स फॉर अ स्ट्रीम, कि किस ढंग से स्ट्रीम जो है उसकी क्या कैसे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वेल्स के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए विच आर सेट अप इन द स्टेट सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके वो सब चीज़ें जो हैं, प्रोग्राम्स जो हैं, प्लान्स जो हैं, वो ले डाउन करता है, मॉडिफाई करता है। प्लस इट प्लान्स एंड कॉल्स टू बी एग्जीक्यूटेड अ नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। ऊपर तो वो मास मीडिया के थ्रू कराया था, पर यहाँ पे इट प्लान्स टू एग्जीक्यूट अ नेशन वाइड प्रोग्राम, एक नेशन वाइड प्रोग्राम, सेमिनार्स एंड होल्डिंग्स कैसे की जाएँ, प्रोग्राम्स कैसे होल्ड किए जाएँ फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। यू नो, लोगों के अंदर वो जागरूकता कैसे फैलाई जाए, एक लहर कैसे जगाई जाए विद इन द होल नेशन टू कंट्रोल और प्रिवेंट दी वाटर पोल्यूशन, राइट। एंड इट परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसके अलावा जो भी और फंक्शंस इस एक्ट के अंदर हैं और जो भी नेसेसरी है वो सभी परफॉर्म करता है। द बोर्ड में इस्टेब्लिश और रिकोगनाइज अ लेबोरेटरी और लेबोरेटरीज टू इनेबल द बोर्ड टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस। इसके अलावा जो बोर्ड है ये या तो लेबोरेटरीज को इस्टेब्लिश कर सकता है, इट हैज़ अ पावर टू डू सो, या फिर लेबोरेटरीज को रिकोगनाइज कर सकता है कि दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट शैल बी नाउ अ लेबोरेटरी विच विल असिस्ट एंड हेल्प द बोर्ड इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शंस इफेक्टिवली। जैसे कि वाटर के किसी स्ट्रीम या वेल से वाटर लिया गया है, उसके सैम्पल्स का एनालिसिस होगा उस लेबोरेटरी में, या कोई भी सीवेज या ट्रेड एफ्लुएंट्स हैं उसके सैम्पल्स का एनालिसिस होगा, तो वो सारे पर्पसेस के लिए लेबोरेटरी सेटअप करने का भी पावर जो है वो सेंट्रल बोर्ड के पास प्रोवाइडेड है एज पर सेक्शन 16। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोगों ने पहला एजेंसी कवर कर लिया, सेंट्रल बोर्ड। इसका हमने कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन देखा, स्टेटस देखा और फंक्शंस देखे। हम नेक्स्ट एजेंसी है हमारी स्टेट बोर्ड, दैट इज़ नोन एज अ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये जैसे कि सेक्शन 3 में है सेंट्रल बोर्ड, सेक्शन 4 में है आपका स्टेट बोर्ड। इसका कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन बताता है सेक्शन 4, दैट द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट हैज़ द पावर टू असाइन और सेटअप अ स्टेट बोर्ड विच इज़ नेम्ड एज द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके इट हैज़ अ पावर कि वो एक स्टेट बोर्ड सेटअप कर सकती है विच इज़ नोन एज द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इस स्टेट बोर्ड के अंदर कौन कौन से लोग होंगे, हाउ मेनी मेम्बर्स एंड वॉट मेम्बर्स विल बी द पावर ऑफ दिस स्टेट बोर्ड। पहला, अ चेयरपर्सन who either has a knowledge or have some experience in dealing with the cases relating to the environment pollution. It is same as that of the central board. कि एक chairperson appoint किया जाएगा जिसके पास enough knowledge होगा या experience होगा for dealing with the matters relating to the environment protection and pollution. Not more than 5 members appointed by the state government to represent the government. The स्टेट गवर्नमेंट, राइट। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है 5 मेंबर्स अपॉइंट करेगी, दैट दोज पर्सन्स हु रिप्रेजेंट द स्टेट गवर्नमेंट। प्लस इट शैल ऑल्सो अपॉइंट मैक्सिमम 5 मेंबर्स हु आर फंक्शनिंग एज अ मेंबर्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज विद इन द स्टेट। कि स्टेट के अंदर जो भी लोकल अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, नगर पालिका वगैरह जो होती हैं, तो उस तरीके की लोकल अथॉरिटीज़ में से 5 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा मैक्सिमम, दोज हु रिप्रेजेंट दोज लोकल अथॉरिटीज़। Apart from this, not more than 3 persons are nominated by state government to represent the interests of fisheries, agriculture, trade or any other interest as a government seems fit. इसके अलावा maximum 3 लोग appoint किए जाएंगे, nominate किए जाएंगे state government द्वारा, who represent all these fields of fishery, agriculture, trade etc. within the state. प्लस 2 persons फ्रॉम द कंपनीज और corporations विच आर either कंट्रोल्ड, owned और managed बाय द स्टेट। इसके अलावा 2 लोग वो होंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट की ओन्ड या कंट्रोल्ड जो कंपनीज और corporations हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द लास्ट, आप मेंबर सेक्रेटरी हु हैज़ द नॉलेज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द केसेज रिलेटिंग टू द इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इसके अलावा 1 पर्सन अपॉइंट किया जाएगा एज अ मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड जिसके पास एनफ नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है इन डीलिंग विद द केसेज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट पोल्यूशन, राइट। तो इसमें अगर मैक्सिमम सारे मेंबर्स अपॉइंट किए जाएँ मैक्सिमम लिमिट वाले, तो टोटल कितने मेंबर्स हुए, 1 चेयरपर्सन,
प्लस 5 जो स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस 5 जो लोकल अथॉरिटी रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस 5 जो इन सारे फील्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस 5 जो कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस 1 जो सेक्रेटरी है. तो 5, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, इसमें भी टोटल 17, मैक्सिमम 17 मेंबर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इन द स्टेट बोर्ड, अगर पूरे पूरी लिमिट वाले मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं, बाकी 17 से कम भी हो सकते हैं. राइट, तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉम्पोजिशन. नेक्स्ट है आपका स्टेट बोर्ड का स्टेटस क्या होता है, जैसे कि सेंट्रल बोर्ड का था. सो इट विल बी ऑल सिमिलर एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3, एवरी स्टेट बोर्ड शैल हैव अ बॉडी, शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट विद द नेम स्पेसिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन अ नोटिफिकेशन. इट शैल बी हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन, हैविंग अ कॉमन सील एंड विद द पावर्स टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड मे बी सेट मे बाय द सेट नेम सू और बी सूड, एंड इन दिस वे द स्टेट बोर्ड हैज़ अ लीगल पर्सनैलिटी. बिल्कुल सेम है जैसे सेंट्रल बोर्ड का था कि ये एक कॉर्पोरेट बॉडी कंसिडर की जाएगी उस नाम से जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो स्पेसिफाई करेंगे. इसके पास परपेचुअल सक्सेशन होगा, एक कॉमन सील होगी, इसके पास पावर होगी कि प्रॉपर्टी को डिस्पोज, अक्वायर या होल्ड कर सकता है, इसके पास पावर है कि अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, इसके पास पावर है कि ये सू कर सकता है किसी को और सू हो भी सकता है ऑन इट्स ओन नेम, एंड इन दिस वे स्टेट बोर्ड जो है एक लीगल पर्सन कंसिडर किया जाता है. राइट, चलिए आप जानते हैं स्टेट बोर्ड के फंक्शंस क्या होते हैं. तो जैसे कि सेक्शन 16 में सेंट्रल बोर्ड के फंक्शंस थे, उसका ही अगला सेक्शन रहेगा 17, उसमें स्टेट बोर्ड के फंक्शंस हैं. पहला, टू प्लान अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द पोल्यूशन ऑफ द वेल्स एंड स्ट्रीम्स इन द स्टेट एंड टू सिक्योर इट्स एग्जीक्यूशन. तो किस तरीके से वेल्स या स्ट्रीम्स के थ्रू जो भी पोल्यूशन कॉज होता है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकें, उसको कैसे कंट्रोल कर सकें, उसके लिए कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम्स प्लान करता है स्टेट बोर्ड. इसके अलावा टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन. इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देना, एडवाइस देना कि किस ढंग से किस किस अलग अलग यू नो पोल्यूशन मैटर्स पे कैसे काम किया जा सके, कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट किया जा सके. कोलैबोरेटिंग विद द सेंट्रल बोर्ड टू ट्रेन द पर्सन एम्प्लॉयड. राइट, जो भी पर्सन इस काम में इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयड हैं, उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए उसके लिए वो सेंट्रल बोर्ड के साथ कोलैबोरेट कर सकती है, करेगी, ये इसका फंक्शन है. प्लस टू ले डाउन मोडिफाई दी एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स ऑफ सीवेज एंड ट्रेड एफ्लुएंट्स. राइट, किस ढंग से एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज होंगे, डिस्पोज होंगे, उसके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो ले डाउन कर सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकती है. राइट, किस तरीके से जो पानी है, जो वाटर बॉडीज हैं उनकी क्वालिटी को इन्हांस कर सकें उसके लिए स्टेप्स ले सकती है. प्लस टू इवॉल्व द मेथड्स ऑफ यूटिलाइजिंग द सीवेज एंड सुइटेबल ट्रेड एफ्लुएंट्स इन एग्रीकल्चर. मतलब ऐसे मेथड्स यूटिलाइज किए जाएँ, ठीक है, मतलब इवॉल्व किए जाएँ कि जो भी यू नो वेस्ट रिलीज होता है, क्योंकि माना जाता है कि जितने भी वेस्ट होता है वो खाद बन के बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पसेस. तो किस तरह से वी कैन यूटिलाइज ऑल दैट यू नो सीवेज और जो भी ट्रेड एफ्लुएंट रिलीज हो रहे हैं, तो उसके लिए मेथड्स इवॉल्व करना इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टेट बोर्ड. प्लस द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ दी अथॉरिटी टू सेटअप द लेबोरेटरीज, ठीक है. इसके अलावा स्टेट बोर्ड के पास अथॉरिटी है कि वो लेबोरेटरी सेटअप कर सकती है, विच शैल हेल्प द बोर्ड इन एफिशिएंटली वर्किंग ऑफ द बोर्ड. राइट, फर्दर टू एनकरेज कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन द इन्वेस्टिगेशंस एंड द रिसर्च रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम्स. इसके अलावा पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशंस होल्ड होती हैं, जो भी रिसर्चेज हैं, उसमें अपना एक्टिव रोल प्ले करता है. प्लस पार्टिसिपेशन भी इसमें इंक्लूड करता है कि जो भी यू नो द पीपल ऑफ द कंट्री ऑल्सो पार्टिसिपेट इन ऑल दीज इन्वेस्टिगेशंस एंड रिसर्च. राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस टू इवॉल्व द इकोनॉमिकल एंड रिलायबल मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड ट्रेड एफ्लुएंट्स हैविंग रिगार्ड टू द पेक्यूलियर कंडीशंस ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ डिफरेंट रीजंस. राइट, इसके अलावा कुछ ऐसे इकोनॉमिकल और रिलायबल मेथड्स को यू नो इवॉल्व करें, ये इसका फंक्शन है कि कैसे इफेक्टिवली ट्रीटमेंट हो सके सीवेज का और ट्रेड एफ्लुएंट जो कि मेजर कॉज हैं ऑफ द वाटर पोल्यूशन, उस पर कैसे इफेक्टिव या यू नो व्हाट आई कैन से इज टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरीके के यू नो रीसेंट या नए मेथड्स को इक्विप किया जाए, इवॉल्व किया जाए जो कि हेल्प करे इन दी ट्रीटमेंट ऑफ सच एफ्लुएंस. फर्दर टू इवॉल्व दी एफिशिएंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल. तो तीन तरीके, इकोनॉमिकल हो, ठीक है,
कॉस्ट फ्रेंडली हो, एफिशिएंट हो, प्लस रिलायबल हो. ऐसे मेथड्स को इवॉल्व करना इज़ वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द स्टेट बोर्ड एंड द लास्ट टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री द कैरिंग ऑन विच इज लाइकली टू पल्यूट अ स्ट्रीम ऑफ वेल. कि ये जो भी इंडस्ट्री सेटअप हुई हुई है कि वो जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक लोकेशन में स्टेट के एक सेट इंडस्ट्री सेटअप है जो कि रेसिडेंशियल एरिया है, जिस वजह से जो भी आसपास की वाटर बॉडीज़ हैं या जो भी वाटर यूज़ होता है वो अनफिट हो जा रहा है लोगों के लिए फॉर द कंजम्पशन. तो ऐसे में स्टेट बोर्ड का रोल होता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करे कि इसका यू नो रिलोकेशन किया जाए, इसको इस जगह से हटाया जाए, या फिर अगर यहीं रहेगी तो उसमें कुछ मेजर्स लिए जाएं ताकि वो जो पोल्यूशन कॉज हो रहा है उसकी वजह से वो ना कॉज हो. सो फॉर द लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री. तो ये हो गए आपके गाइस स्टेट बोर्ड के भी फंक्शंस. आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. नेक्स्ट मैंने बताया था जॉइंट बोर्ड का एक प्रोविजन होता है, क्या है ये भी देखते हैं. एन एग्रीमेंट मे बी एंटर्ड इन टू बाई द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वन स्टेट विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अनदर स्टेट टू सेटअप अ जॉइंट बोर्ड. इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं, वो आपस में एक एग्रीमेंट करती हैं, ठीक है, कि एक सेटअप करें, एक जॉइंट बोर्ड सेटअप करें, राइट. इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक तरीके का एग्रीमेंट कर सकती है अदर यूनियन टेरिटरीज़ की गवर्नमेंट के साथ कि एक जॉइंट बोर्ड सेटअप किया जाए और फिर मिल के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन के ऊपर काम किया जाए. दिस इज़ द प्रोविजन ऑफ जॉइंट बोर्ड. अब जॉइंट बोर्ड में कौन कौन से लोग होंगे, व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन, ये सेक्शन 14 बताता है. इट शैल इंक्लूड अ चेयरपर्सन हु हैज़ अ नॉलेज एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस. पहला वही सेम है कि एक चेयरपर्सन होगा जिसके पास एनवायरमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड मैटर्स को डील करने की इनफ नॉलेज, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन हो. इसके अलावा दो मेंबर्स होंगे जो कि हर स्टेट गवर्नमेंट को यू नो रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि ईच स्टेट से. फॉर एग्जांपल अगर दो स्टेट्स मिलके जॉइंट बोर्ड बना रहे हैं तो उन दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले टू मेंबर्स ईच होंगे, टोटल मतलब फोर मेंबर्स होंगे, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस अ नॉन ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय ईच स्टेट टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरी, ट्रेड एक्सेट्रा. तो इसके अलावा इन सारे फील्ड्स एंड मैटर्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक नॉन ऑफिशियल पर्सन जो है वो भी अपॉइंट किया जाएगा हर स्टेट से, एक ईच फ्रॉम ईच स्टेट, राइट, वन फ्रॉम ईच स्टेट. इसके अलावा टू मेंबर्स फ्रॉम द कंपनीज, कॉरपोरेशंस और नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ ओन्ड कंट्रोल्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स, राइट. इसके अलावा जो भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट है, मतलब जो भी स्टेट्स मिलकर जॉइंट बोर्ड बना रहे हैं, उनको उनके जो भी कंपनीज उन स्टेट्स ने ओन की हैं, उन कंपनीज को रिप्रेजेंट करने वाले दो मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे इस जॉइंट बोर्ड में, प्लस अ फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी हु इज़ हैविंग द रिक्वायर्ड स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस, ठीक है. इसके अलावा एक फुल टाइम सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया जाएगा. तो कितने मेंबर्स हुए इसमें, एक चेयरपर्सन प्लस फॉर एग्जांपल अगर दो स्टेट्स मिलके बना रहे हैं तो हम ले रहे हैं, तो चार आपके ये हो गए जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस दो आपके हो गए नॉन ऑफिशियल मेंबर, प्लस चार आपके हो गए कंपनीज को जो रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस एक हो गया आपका सेक्रेटरी. तो कितने हो गए, चार चार आठ, 10, 11, 12, टोटल 12 मेंबर्स हो गए आपके अगर दो लोग मिलके, दो स्टेट गवर्नमेंट मिलके एक जॉइंट बोर्ड बना रहे हैं. तो बाकी ये नंबर तो वैरी करेगा विद कितने ज़्यादा स्टेट्स हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कितनी यूटीज़ मिलके जॉइंट बोर्ड बना रही हैं, राइट. मतलब बेसिकली आपको लेकिन समझ आ गया होगा कि जॉइंट बोर्ड का प्रोविजन है क्या. ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ मेंबर्स. कि जो भी इस इन बोर्ड्स के जो भी जितनी एजेंसीज हैं उनके जो भी मेंबर्स हैं उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस होंगी. तो सेक्शन 5 जो है एक्ट का वो उसके बारे में बात करता है दैट अ मेंबर ऑफ अ बोर्ड अदर देन द मेंबर सेक्रेटरी, मतलब मेंबर सेक्रेटरी को एक्सक्लूड करके बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं यानी कि चेयरपर्सन इंक्लूड करके, इट शैल होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. कि ये लोग 3 साल तक के लिए अपना ऑफिस होल्ड करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नॉमिनेशन, बट दे शैल कॉन्टिन्यू to hold his office even after the expiration of the term until the successor enters upon his office. कि वैसे तो 3 साल का टेन्योर है लेकिन ये अपनी जैसे ही उनका यू नो एक्सपायर हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा 3 साल के पीरियड के बाद, वो उसके बाद भी तब तक ऑफिस को होल्ड करेंगे जब तक एक नया पर्सन नॉमिनेट या अपॉइंट नहीं हो जाता है उनकी ऑफिस में, राइट. तो ये बेसिकली 3 साल का इनका टेन्योर है.
द मेम्बर ऑफ बोर्ड मे बी रिमूव फ्रॉम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ऑफिस आइदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर गिविंग हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट हिम. जो बोर्ड के मेंबर्स है, पॉइंट ये है कि अब जो बोर्ड के मेंबर्स है वो रिमूव हो सकते हैं. जी हाँ, वो अपने टर्म से पहले ही रिमूव हो सकते हैं आइदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और जो भी कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स होंगे उनके बेसिस पे उनको हटाया जा सकता है और उनको मौका दिया जाएगा, उन्हें सुना जाएगा, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन ऑफ रिमूवल किया जाएगा. राइट. ऑल्सो द मेंबर ऑफ द बोर्ड अदर देन द मेंबर सेक्रेटरी मेड एनी टाइम रिजाइन इज ऑफिस बाय राइटिंग एड्रेस इन केस ऑफ चेयरपर्सन टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड इन केस ऑफ अदर मेंबर्स टू द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड. तो यहाँ पे रेजिग्नेशन की बात हो रही है कि अगर चेयरपर्सन रिजाइन दे रहा है तो वो दे सकता है इन राइटिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या अगर चेयरपर्सन के अलावा बाकी जितने भी मेंबर्स है बोर्ड के अगर वो रिजाइन दे रहे हैं तो दे मे गिव द रेजिग्नेशन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड. ठीक है ना. तो ये हो गया कि क्या इनका टेन्योर है और कैसे ये रिज़ाइन दे सकते हैं और कैसे ये रिमूव हो सकते हैं. अब ये जानते हैं कि जो भी पर्सन रिमूव किए जा रहे हैं वो किन ग्राउंड्स पे रिमूव किए जाते हैं. सो सेक्शन 6 मेंशंस द ग्राउंड ऑन विच अ मेंबर कैन बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द बोर्ड. किस किस ग्राउंड्स पे वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द बोर्ड. पहला, अ पर्सन हु इज एडजस्ट इंसॉल्वेंट और हैज़ नॉट पेड इज डेट्स कैन नॉट बिकम अ मेंबर. वो पर्सन जो कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है बाय द कोर्ट, दिवालिया घोषित हो गया है, इसने अपने डेट्स नहीं दिए हैं, कर्जे नहीं चुकाए हैं, वो पर्सन जो है वो मेंबर नहीं रहेगा ऑफ द बोर्ड. सेकेंड, अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, वो व्यक्ति जो कि अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो गया है बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, या फिर सच अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ सच एन ऑफेंस विच अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व द मॉरल टर्पिट्यूड. कोई ऐसा व्यक्ति मेंबर जो कि यू नो कन्विक्ट हुआ है फॉर एन ऑफेंस जो कि मॉरल टर्पिट्यूड नेचर का कंसिडर करते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो वो व्यक्ति भी नो मोर बी यू नो एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ द बोर्ड्स. फर्दर, If a person is holding any office of profit or is a salaried employee of any company firm which is connected with a board, then he cannot be a member of any board. कि अगर वो person एक तो वो board का भी office hold कर रहा है और उसके साथ साथ वो कोई और company का भी employee है जिसमें salary मिलती है उसको, या फिर कोई और office भी hold करता है जिसमें वो profit earn करता है, तो ऐसे person को भी member नहीं माना जाएगा, उसको disqualify कर दिया जाएगा. And the last point is, If a member has misused his powers by virtue of being a member or holding any position in connection with the board, then the central or state government may disqualify him. कि अगर उस member ने अपनी position का, अपने powers का misuse किया है by being in the position of the member of the board, तो अगर उसका misuse जो है वो पता चल जाता है और वो उसके लिए guilty consider होता है, तो वहाँ पर भी central या state government ऐसे member को board से disqualify कर सकती है. तो ये ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड को डिस्क्वालीफाई या रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम देयर ऑफिस. ये सेक्शन 6 में प्रोवाइडेड है. क्लियर. चलिए अब नेक्स्ट है मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड. सेक्शन 8 सेज दैट इन एवरी 3 मंथ्स द बोर्ड हैज़ टू कंडक्ट अ मीटिंग एंड रिव्यू ऑल द लॉज एंड ऑर्डर्स इम्प्लीमेंटेड बाई इट. कि ये बोल रहे हैं कि बोर्ड को हर 3 महीने में एक मीटिंग कंडक्ट करनी है. याद रख लो, इन एवरी 3 मंथ्स अ मीटिंग हैज़ टू बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड, जिसमें वो अपने सारे लॉज, सब सारे रूल्स, ऑर्डर्स जो भी उन्होंने बनाए हैं, जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए हैं, उनको रिव्यू करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो डिस्कस द फ्यूचर प्लान्स ऑफ एक्शन. एक तो ये डिस्कस किया कि हमने अब तक क्या क्या किया, क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या लॉज इम्प्लीमेंट किए, प्लस इसमें डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर प्लान्स हमें क्या क्या बनाने हैं फॉर देयर इफेक्टिव एक्शंस. If the chairperson of the board thinks that an urgent meeting is required to address a particular issue, then in that case, a meeting among the members can be held at any time as prescribed by the chairman. अगर board के chairman को लगता है कि एक urgent meeting बिठाना ज़रूरी है to deal or to discuss regarding a particular issue, कोई particular issue pertaining to the environment matters, तो वहाँ पर वो सारे members of the board को बुला के एक meeting, urgent meeting hold करा सकता है at any time, जो कि chairman prescribe करता है accordingly. Right? तो ये आपका provision है regarding the meetings of the board, section 8. Next, section 9 talks about the constitution of the committees. So it permits the central or state board
to constitute the committees of members either from the existing members or totally the new members who do not have any connection with the company for the performance of the activities. So, जो आपका सेंट्रल स्टेट बोर्ड है उसको ये एक्ट परमिट करता है कि वो कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, चाहे वो अपने बोर्ड के मेंबर्स को ही कॉन्स्टिट्यूट करके कमिटी बना लें या फिर बिल्कुल अलग मेंबर्स को भी कॉन्स्टिट्यूट करके कमिटी बना सकते हैं, जो कि हेल्प करता है बोर्ड्स को इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, राइट. द मेंबर्स ऑफ द कमिटी शैल मीट एट एनी टाइम और एट एनी प्लेस एंड शैल ऑब्जर्व ऑल द रूल्स एंड प्रोसीजर्स एट एज इट मे कंसिडर नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज़. तो किसी भी टाइम, किसी भी समय जब जब बुलाया जाएगा तब वो उस जगह पे एक उपस्थित होगी उसकी मीटिंग्स में, प्लस वो सारे प्रोसीजर्स और रूल्स को ऑब्जर्व करेगी जो भी नेसेसरी है फॉर इट्स परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज. द मेंबर्स विल बी पेड द फीस अलाउंसेस फॉर अटेंडिंग द मीटिंग्स एंड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. और जो भी वो लोग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो कमिटीज़ जो भी वो मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, उसमें जो भी फीस प्रोवाइड की जाएगी, जो भी अलाउंसेस दिए जाएंगे, वो सब उन्हें टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाएगा टू ऑल द मेंबर्स हु कॉन्स्टिट्यूट दी कमिटीज़. तो कमिटीज़ बनाने का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 9 में है, जो कि सेंट्रल या स्टेट बोर्ड को अथॉरिटी देती है टू कॉन्स्टिट्यूट सच द कमिटीज़, राइट. नेक्स्ट, सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट द पावर टू गिव द डायरेक्शंस. So in the performance of its functions under this act, the central board shall be bound by such directions in writing the central government may give to it. The central board अपने duties और functions को perform करते हुए इस act के अंदर उन सारे directions के लिए bound होगा जो direction central government release करती है in writing to the central board. In the same way, state board भी उन सारे directions के लिए के towards bound होगी जो कि सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट देता है उसको इन राइटिंग. तो यहाँ पे बेसिकली सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू गिव द डायरेक्शंस टू द सेंट्रल और स्टेट बोर्ड कि वो अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी फंक्शंस को, अपनी ड्यूटीज़ को इन सारे लिमिटेशंस में या इन सारे डायरेक्शंस के विद इन ही परफॉर्म करें, राइट. तो दिस इज बेसिकली द पावर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट सेक्शन है दैट टॉक्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ अपील्स, जो कि अपील का सेक्शन है 28. याद रखना, सेक्शन 28 प्रोवाइड द प्रोविजन ऑफ अपील. इट सेज दैट एनी पर्सन हु इज अग्रीव बाय द डिसीजन ऑफ द स्टेट बोर्ड हैज 30 डेज ऑफ टाइम टू मेक एन अपील इन द कंसर्न अपीलेड अथॉरिटी एज एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. कि अगर कोई भी व्यक्ति स्टेट बोर्ड के डिसीजन से अग्रीव्ड है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर, जब डिसीजन आया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपील ले जा सकती है ऐसी अपीलेट अथॉरिटी के पास जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की होगी, राइट. द अपीलेट अथॉरिटी में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पर्सन और अ थ्री पीपल पर्सन और एज अ स्टेट गवर्नमेंट में थिंग्स. तो अपीलेट अथॉरिटी में या तो एक ही पर्सन होगा या फिर तीन पर्सन होंगे. तो वो डिपेंड करता है किस तरीके के मैटर हैं, किस तरीके की अपील है, उसके अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट जो है उसको असाइन करेगी, राइट. तो ये हो गया कि अपील का प्रोविजन, कि कैसे अपील कितने दिन में ले जाई जा सकती है और किसके पास ले जाई जा सकती है, राइट. तो कोई एक ऐसी कंसर्न अपीलेट अथॉरिटी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी, क्लियर. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू इस एक्ट के विद इन वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के मेजर्स प्रोवाइडेड हैं, स्टेप्स प्रोवाइडेड हैं, एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट दैट वाटर पोल्यूशन. तो बेसिकली इस एक्ट का चैप्टर 5 जो है वो इसके बारे में बात करता है फ्रॉम सेक्शन 19 टू 33 ए. याद रख लो, सेक्शन 19 से 33 ए इसके प्रोविजंस के बारे में बात करता है, ठीक है ना. हम इसमें सारे सेक्शंस नहीं कवर कर रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट हैं, मेजर हैं, वही कवर कर रहे हैं, राइट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19, द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट. सो द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट में अप्लाई टू सम डेजिग्नेटेड एरियाज विद इन द स्टेट कॉल्ड द वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एरिया. तो बेसिकली इस सेक्शन के विद इन स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस एक्ट की एप्लीकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, कि कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज में ही इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होगी थ्रू आउट द स्टेट या थ्रू आउट द एरिया ऑफ द स्टेट अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ उसी एरिया में होगी जहाँ पे विच इज़ डेजिग्नेटेड, स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड थ्रू द प्लान्स एज द वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एरिया,
राइट. सेकंड आपका सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट द पावर टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन. सो इट कन्फर्स द पावर अपॉन द ऑफिसर्स टू सर्वे एंड रिकॉर्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्ट्रीम्स एंड वेल्स. तो इसमें जो है ऑफिसर्स के पास पावर दी जाती है कि वो जो भी स्ट्रीम्स हैं, जो भी वेल्स हैं, उनके सर्वे करें, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका सर्वे करें. व्हाट इज़ अ लेंथ, ब्रेथ एंड हाउ मच पोल्यूटेड द होलसमनेस ऑफ द वाटर. तो इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करें और ऑफिसर्स उसको यू नो सर्वे करता है, रिकॉर्ड करता है. द बोर्ड ऑल्सो कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन द ओवर एक्सट्रैक्शन और ऑफ द टॉक्सिक डिस्चार्जेस इनटू द स्ट्रीम्स. कि इसके अलावा जो बोर्ड है, इट इंश्योर, स्टेट बोर्ड इंश्योर्स दैट और द सेंट्रल बोर्ड इंश्योर्स दैट व्हाट आर द, हु आर दोज पर्संस जो कि यू नो स्ट्रीम्स के अंदर, या पर्सन से यहाँ पे स्पेसिफिकली मतलब है ऑल दोज पर्संस हु आर यू नो रिप्रेजेंटिंग द प्रमाइसेज और द इंडस्ट्रीज और द फैक्ट्रीज जिसके थ्रू बहुत सारे यू नो डिस्चार्ज टॉक्सिक रिलीजेज होते हैं स्ट्रीम्स के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर. सो टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दोज पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इट कैन ऑल्सो आस्क द पर्सन इन चार्ज ऑफ द इंडस्ट्री ऑपरेशन और डिस्पोजल सिस्टम टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन और एक्सटेंशंस टू चेक एंड मॉनिटर द पोल्यूशन. और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन के प्रोसेस में जो बोर्ड्स हैं वो इंडस्ट्रीज के इंचार्ज को भी पूछ सकते हैं कि आप जो है पूरा ब्योरा दो, पूरा डिटेल्स दो रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन, जहाँ आपने बनाया है वो वैलिड जगह है भी या नहीं, इलीगल तो नहीं है कहीं, क्या क्या आपने इंस्टॉलेशंस किए हैं ऑफ द मशीनरीज विच आर नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सच पोल्यूशन, क्या क्या आपके ऑपरेशंस हैं, क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं, किस लेवल पे एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज होते हैं, वो रिलीज़ होके जाते कहाँ पे हैं. ठीक है, बेसिकली ये सब चीज़ें को अक्वायर करने का या फिर इन सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करने का जो पर्पस है, इट इज़ टू चेक एंड मॉनिटर द पोल्यूशन. तो ये होता है अंडर द सेक्शन 20, बेसिकली टू ऑब्टेन ऑल सच इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट सेक्शन 21 एम्पावर्स द ऑफिसर्स टू कलेक्ट द वाटर सैंपल्स फ्रॉम फॉर एनालिसिस टू बी टेस्टेड इन द लेबोरेटरीज. फिर ऑफिसर्स को एम्पावर किया जाता है कि वो ये सारे के सारे जो भी वाटर सैंपल्स लिए जाते हैं फ्रॉम स्ट्रीम्स, वेल्स एंड अदर वाटर बॉडीज ऑफ द एरियाज, तो उनको फिर कलेक्ट किया जाए टू बी टेस्टेड इन द लेबोरेटरीज. उनको कलेक्ट करके फिर लेबोरेटरीज में सबमिट किया जाता है उनको टेस्ट करने का, फॉर नोइंग और मॉनिटरिंग दी पोल्यूशन लेवल और क्या क्या कारण है और कितने हद तक किस तरीके का एफ्लुएंट जो है वो पोल्यूशन कॉज करता है. राइट टू एनालाइज ऑल दीज थिंग्स. देन सेक्शन 23 इट प्रोवाइड्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे एम्पावर एनी पर्सन टू एंटर एट एनी प्लेस एट एनी टाइम फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग एनी फंक्शंस ऑफ स्टेट बोर्ड entrusted to him for the purpose of examining any plant, record, register, document or any other material object or for a search of any place which has a reason to believe that an offense has been committed there and for searching such materials. So state government jo hai prevention and control ke purposes ke liye kisi bhi person ko kisi bhi jagah pe kisi bhi samay enter karne ka permission deta hai ki ye check karna. For what reasons? For performing the functions of state board, for examining the plant, for examining the records, the registers, the documents, the material objects, for searching that place. So, in sab reasons ke liye, state government kisi bhi person ko empower kar sakti hai to enter that place as per section 23. Further, section 24 imposes a prohibition on the disposal of poisonous and noxious material. Noxious मतलब अगेन विच इज़ वेरी हार्मफुल, विच इज़ वेरी पॉइजनस, विच इज़ रिलीज इन टू द स्ट्रीम्स एज वेल एज ऑफ एनी थिंग लाइकली टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्री फ्लो ऑफ वाटर विद एक्सेप्शन ऑफ ऑथराइज कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली दैट इज ऑफ ब्रिजेस, डैम्स, ड्रेन्स एक्सेट्रा विच एक्ट्स डन फॉर लैंड रिक्लेमेशन एंड एग्जेम्प्ट्स पुटिंग नेचुरल डिपॉजिट सच एज पेबल्स और सैंड्स. ठीक है, तो बेसिकली इस सेक्शन के थ्रू जो है बोर्ड्स जो हैं या गवर्नमेंट जो है वो प्रोहिबिट करता है, बेसिकली एक्ट जो है वो प्रोहिबिट करता है कि जितने भी तरीके की पॉइजनस सब्सटेंस हैं या जितने भी हार्मफुल मैटर्स हैं उनको स्ट्रीम्स में या अदर वाटर बॉडीज़ में रिलीज ना किया जाए. इसकी जो है प्रोहिबिटरी नोटिफिकेशन एंड एडवाइजरीज रिलीज कर सकता है, प्लस ऑब्स्ट्रक्ट ऐसी कोई भी चीज़ ना रिलीज की जाए जो कि वाटर के फ्री फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करे, ठीक है, उसमें उल्लंघन पैदा करे. लेकिन यू नो जो भी ऑथराइज कंस्ट्रक्शन होते हैं गवर्नमेंट वो एक्सेप्टेड रहते हैं, जैसे कि ब्रिजेस बनाना है, डैम्स बनाना है, वो सब एग्जेम्प्टेड रहते हैं. राइट,
Now section 25 imposes the restrictions on the new industries by subjecting them to the board's consent and conditions. और section 25 जो है जितनी भी नई industries setup हो रही हैं या होनी है उनके ऊपर एक restriction impose करता है that you first need to take the consent of the board, कि आपको पहले board की consent लेनी होगी, right? और बोर्ड जो कंडीशंस इम्पोज करती है उसको फॉलो करते हुए ही आप जो है नई इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो. इट इंक्वायर्स ऑन द न्यू डिस्चार्जेस लाइकली टू रिजल्ट. इसमें क्या होता है, जो बोर्ड जो है पहले इंक्वायर करता है कि जो नई इंडस्ट्री सेटअप होगी क्या इसका नेचर है, क्या इसके ऑपरेशंस हैं और किस तरीके के डिस्चार्जेस रिलीज करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको नोटिस देगा और अप्रूवल दे सकता है. द बोर्ड कैन ऑल्सो डायरेक्ट डिसाइड टू नॉट ग्रांट द परमिशन. और बोर्ड जो है वो परमिशन ना देने की भी बात कह सकता है, डिसाइड कर सकता है कि नहीं हम परमिशन नहीं ग्रांट कर सकते हैं, और चूज टू रिव्यू एंड रिवाइज इट्स कंडीशंस, या फिर जो भी कंडीशंस उन्होंने दी है उसको रिव्यू भी कर सकता है या रिवाइज भी कर सकता है. तो यहाँ पे बोर्ड के पास पावर है और न्यू इंडस्ट्रीज के लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं कि वो पहले कंसेंट लें विद द रिस्पेक्टेड बोर्ड, राइट. ये सेक्शन 25 का प्रोविजन है. तो गाइज ये बेसिकली मोटे मोटे जो इम्पॉर्टेंट या मेजर प्रोविजन थे रिगार्डिंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स, कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के प्रोविजन का उल्लंघन करता है, कंट्रावीन करता है, तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगाई जाएगी, राइट. और बेसिकली द कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 24. अब 24 क्या था, देखो मैंने ऊपर बताया कि आपको पॉइजनस मैटर्स रिलीज नहीं करने हैं, आपको फ्री फ्लो ऑफ वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना है. तो कोई भी व्यक्ति अगर ये काम करता है तो सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग हुएवर कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24 शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर. मतलब आपको एक साल की सज़ा हो सकती है, एक साल 6 महीना यानी कि 1.5 साल की सज़ा हो सकती है, जो कि एक्सटेंड हो सकती है अप टू 6 ईयर्स. मतलब मिनिमम 1.5 साल और 6 साल तक आपको वो सज़ा हो सकती है, और साथ साथ आपको फाइन भी इम्पोज करना पड़ेगा, आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा जो कि इम्पोज करता है बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट. ठीक है, तो याद रखना ऐसा काम मत करना, वरना अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया तो फिर आपको ऐसी सज़ा भी हो सकती है. प्लस पेनल्टी फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 25 और 26. जैसे 25 में क्या था कि आप नई इंडस्ट्री के बारे में था कि नई इंडस्ट्री सेटअप करेगी, उससे पहले उसको बोर्ड का परमिशन लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा, और बोर्ड जो भी कंडीशंस लगाती है उसको फुलफिल करते हुए ही वो इंडस्ट्री सेटअप कर सकती है. तो अगर कोई भी व्यक्ति उन प्रोविजंस को कॉन्ट्रवीन करता है, दैट विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच विल नॉट बी लेस देन 1.6, यानी कि अगेन 1.5 साल की सज़ा हो सकती है जो कि 6 साल तक एक्सटेंड हो सकती है विद फाइन, सेम पनिशमेंट. अब बात करते हैं वो ऑफेंसेस जो कि कोई कंपनी कमिट करती है, तो सेक्शन 47 उसके बारे में बात करता है. देखो 43 आपका हो गया हुएवर कॉन्ट्रावीन सेक्शन 24, 44 हो गया हुएवर कॉन्ट्रावीन सेक्शन 25 और 26. नाउ 47 टॉक्स अबाउट द ऑफेंसेस बाय द कंपनीज. सो इट सेज दैट वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी. अगर कोई भी मतलब ये केस सामने आता है कि किसी कंपनी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है under this act, then every person who at the time of the commission of the offence was either in charge or was responsible to the company or the conduct of the company, agar koi bhi person ya fir koi nahi har wo person, every person jo ki jab wo offence commit hua us dauran company ka in charge tha ya company ke conduct ke liye responsible tha ya company ke liye responsible tha, that every person shall be deemed to be guilty of the offence. to wo har vyakti us offence ke liye guilty consider kiya jayega और उसके अगेंस्ट केस चालू हो जाएगा, वो लायबल कंसिडर किया जाएगा और उसको पनिशमेंट्स उसके ऊपर इम्पोज की जाएंगी. लेकिन प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल रेंडर एनी सच पर्सन लायबल टू बी पनिशमेंट इफ इट इज़ प्रूव्ड दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज और दैट ही एक्सरसाइज ऑल द ड्यू डिलीजेंस टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच एन ऑफेंस, कि तब आपका वो पर्सन लायबल नहीं होगा फॉर द कमीशन ऑफ सच एन ऑफेंस अगर वो ये प्रूव हो जाता है कि उसके बिना नॉलेज के, पहली बात तो उसके बिना नॉलेज के वो ऑफेंस कमिट हुआ, या फिर उसने भाई वो सारे नेसेसरी मेजर्स जो हैं वो लिए थे, सारी ड्यू केयर ली थी टू प्रिवेंट सच ऑफेंस. तो ऐसे अगर चीज़ें प्रूव हो जाती हैं देन दैट पर्सन शैल नॉट बी लायबल फॉर द कमीशन ऑफ सच एन ऑफेंस, राइट. और दूसरा प्रोविजन क्या कहता है,
where an offense has been committed by a company and it is proved, approve ho jata hai that the offense has been committed with the consent or with the neglect of any director, manager, secretary or other officer of the company. Ki bhai koi offense commit hua hai by the company aur ye prove ho jata hai ki jo offense commit hua hai wo company ke director, manager ya kisi aur officer ki ya to consent ke sath या उनके किसी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से वो ऑफेंस कमिट हुआ है. देन एवरी सच डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और ऑफिसर दे शाल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड दे शाल बी लायबल एंड विल बी पनिश अकॉर्डिंगली. तो हर वो डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर, सेक्रेटरी, वो सब पर्सन लायबल कंसिडर किए जाएंगे उस ऑफेंस के लिए, उनके ऊपर पनिशमेंट इम्पोज अकॉर्डिंगली की जाएगी. क्लियर? इस सेक्शन के, सेक्शन 47 के एक्सप्लेनेशन में दिया है कि कंपनी का मतलब क्या है. कंपनी मींस अ बॉडी कॉर्पोरेट और इस कंपनी टर्म के अंदर फॉर्म भी इंक्लूड होगी और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स भी इंक्लूड होंगे, बाकी जो भी तरीके के एसोसिएशंस होते हैं. प्लस डायरेक्टर का मतलब इन रिलेशन टू अ फर्म मींस अ पार्टनर इन द फर्म. फर्म में अगर डायरेक्टर माने तो फर्म में पार्टनर हो, जो पार्टनर होता है दैट इज़ द डायरेक्टर विद इन दिस सेक्शन. राइट, तो ये हो गया गाइज हमारे कि अगर कोई ऑफेंस कंपनी ने किया है. अब दूसरा हेडिंग है कि अगर कोई ऑफेंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने किया है तब क्या होगा. तो इसका ही अगला सेक्शन यानी कि सेक्शन 48 इसके बारे में बात करता है दैट वेयर एन ऑफेंस अंडर द एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट देन द हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट शाल बी डीम्ड टू बी गिल्टी. कि वहाँ पे कौन रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा. तो भाई वहाँ पे जो डिपार्टमेंट का हेड है, जो डेजिग्नेट किया गया है एज द हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, दैट पर्सन शाल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द offense and shall be liable and punished accordingly. Clear? पर अगेन वही वाली बात कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि जो HOD है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसके बिना नॉलेज के वो ऑफेंस कमिट हुआ और उसने जब उसको पता चला कि ऐसा कुछ ऑफेंस हो रहा है, ऐसा कुछ नेग्लिजेंस हो रहा है, तो वहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उसने सारे नेसेसरी मेजर्स और ड्यू केयर ली थी, अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो वहाँ पे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट गिल्टी नहीं कंसिडर किया जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस कमीशन और फिर वहाँ पे उसके ऊपर पनिशमेंट भी इम्पोज नहीं की जाएगी. क्लियर? आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा. गाइज इस पॉइंट के साथ हम लोगों ने मेजर जितने प्रोविजंस थे ना एक्ट के वो कवर कर लिए हैं. अब हम लोग केस लॉ देखेंगे और फिर चैप्टर को कंक्लूड करेंगे. ठीक है, ये मेजर यहाँ पे मैंने 3-4 केस लॉ बताए हैं. आप ये अपने आंसर में, चाहे अगर आपका इतना ही क्वेश्चन आए कि डिस्क्राइब द एजेंसीज ऑफ द एक्ट या फिर एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इन द एक्ट, तो आप वहाँ पे अपना प्रोविजन, मेन जो प्रोविजन है वो लिखने के बाद ये केसेस अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं. ठीक है ना? पहला, द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 19 एंड 24 ऑफ द वाटर एक्ट हैव बीन चैलेंज्ड बिफोर राजस्थान एंड गुजरात हाई कोर्ट इन मेसर्स अग्रवाल टेक्सटाइल वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान केस एंड इन द केस ऑफ मेसर्स अभिलाष टेक्सटाइल्स वर्सेज राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. क्या हुआ था, इन दोनों केसेज में राजस्थान और गुजरात हाईकोर्ट के पास केसेज आए बेसिकली वाटर एक्ट के सेक्शन 19 और 24 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को जज किया गया, चैलेंज किया गया कि दे आर अगेंस्ट दी प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो इन दीज टू केसेज द कोर्ट्स अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द प्रोविजन. इन केसेज में कोर्ट ने इन दोनों ही प्रोविजन्स की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया और कहा, स्टेटेड दैट द पावर्स विच आर ग्रांटेड बाय दीज प्रोविजन्स आर नॉट अनब्रिडल्ड. अनब्रिडल्ड समझते हैं आप, अनब्रिडल्ड मतलब विच आर नॉट एक्सट्रीम एंड दे डू नॉट वायलेट आइदर द आर्टिकल 14 और 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. याद है आप लोगों को 19 और 24 क्या थे, एक बार देख लो दोबारा. देखो 19 में था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट करती है इस एक्ट के एप्लीकेशन को, और 24 था कि इट इम्पोज अ प्रोहिबिशन कि आप कोई भी तरीके का पॉइजनस मैटर डिस्पोज नहीं करोगे इन द वाटर बॉडीज. तो चैलेंज किया गया कि नहीं भाई ये जो है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वॉलेटरी है, तो नहीं, कोर्ट ने बोला कि नहीं, दे आर वैलिड एंड दे आर नॉट एक्सट्रीम इन नेचर, दस दे डू नॉट वॉयलेट द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड केस है हमारा MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस या 1988, जिसको म्यूनिसिपैलिटीज केस भी कहा जाता है. इन दिस केस अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL वॉज फाइल्ड. सो इन दिस केस अ PIL वॉज फाइल्ड सीकिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजन्स विच इम्पोज
duties on the municipal authorities and the state pollution control board which is constituted under the water act. तो इस केस में एक PIL फाइल की गई थी कि जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं या स्टेट बोर्ड हैं जो कि वाटर एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो इन्फोर्स कराने के लिए PIL फाइल की गई कि ये लोग अपनी जो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ हैं वो सही तरीके से फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, वो इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं, तो इसके रिगार्ड में PIL जो है वो फाइल की गई थी. सो इन दिस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द म्यूनिसिपल अथॉरिटी हैव द स्टैट्यूटरी ड्यूटी. फिर इस कोर्ट इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इन अथॉरिटीज़ की ड्यूटी क्या है. उन्होंने बोला कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी की ड्यूटी है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, टू प्रिवेंट द पब्लिक न्यूसेंस विच इज़ कॉज बाय द पोल्यूशन ऑफ रिवर गंगा एंड देयरफॉर द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ कानपुर हैज़ टू बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिवर पोल्यूशन नियर द सिटी. तो इस केस में गंगा रिवर से रिलेटेड मैटर था कि उसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसलिए ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी. तो कोर्ट ने बोला कि जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है कानपुर का, उसका ड्यूटी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ये जो इतना पोल्यूशन कॉज हो रहा है उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी यू नो डैमेजेज और इतनी ज़्यादा इशूज़ फेस कर रहे हैं वहाँ के पीपल, वहाँ के लोग, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उसके लिए मेजर्स जो हैं वो ले, इफेक्टिव मेजर्स जो भी नेसेसरी हैं, राइट, बिकॉज इट इज़ अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी ऑफ द म्यूनिसिपल अथॉरिटी टू प्रिवेंट द पब्लिक न्यूसेंस. द कोर्ट ऑल्सो टुक द फैक्ट दैट मेनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ वाटर एक्ट एंड द म्यूनिसिपल लॉज फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन हैव जस्ट रिमेन्ड ऑन पेपर विदाउट एनी एडिक्वेट एक्शन बींग टेकन परजुइंग. उन्होंने बोला, उन्होंने इस चीज़ को उठाया कि भाई बहुत सारे प्रोविजन है वाटर एक्ट में, बहुत सारे म्यूनिसिपल लॉज बनाए गए हैं वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, पर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सिर्फ ऑन पेपर जस्ट टू मेक द थिंग्स कि हाँ हमारे पास ये भी लेजिस्लेशन है, हमारे पास ये भी लॉज हैं, तो वो सिर्फ पेपर में ही है, वो उसको कहीं ना कहीं वो एक्शन में नहीं आ पा रहा है, उसकी कहीं लैकिंग है. अगर लैकिंग ना होती और एक्चुअल में जितने भी प्रोविजंस बनाए जाते हैं लेजिस्लेशन के अंदर उनको इफेक्टिवली अगर इम्प्लीमेंट कराया जाए ना, तो पोल्यूशन की जो इतनी राइज हो रही है ना हमारी कंट्री में वो ना हो. इतनी दिक्कतें जो फेस करनी पड़ रही हैं, इतनी तरीके की जो हेल्थ इशूज़ फेस करने पड़ रहे हैं ड्यू टू द राइज इन पोल्यूशन, वो ना कॉज हो. तो कहीं ना कहीं द थिंग्स आर ओनली ऑन पेपर एंड दे आर नॉट टेकन इन टू एक्शन विच इज़ अ लैकिंग इन दीज लेजिस्लेशंस. दिस हैज़ बीन पॉइंटेड आउट बाई सुप्रीम कोर्ट इन द MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1988. थर्ड केस है हमारा इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स AIR 1996. सो इन दिस केस अमंग अदर क्लेम्स इट वॉज एलिज्ड दैट द वाटर इन वेल्स एंड स्ट्रीम्स इन द विलेज बिछरी इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान हैड बिकम अनफिट फॉर कंजम्पशन एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड टॉक्सिक स्लज फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड विद इन द लिमिट्स ऑफ द विलेज. इस केस में क्या था कि जितने भी बिछरी विलेज जो था उदयपुर के अंदर, उसमें जितनी भी वेल्स थी, जितनी स्ट्रीम्स थी और वाटर बॉडीज थी, उसके अंदर जो पानी था वो बिल्कुल अनफिट हो गया था फॉर कंजम्पशन, पीने के लिए या बाकी एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए या बाकी और भी किसी यूजेस के लिए वो अनफिट हो गया था. कारण क्या था कि वहाँ पे उस विलेज के अंदर एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड था जिससे बिल्कुल अनट्रीटेड, क्योंकि उन्होंने कोई भी तरीके के ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं लगा रखे थे, तो अनट्रीटेड और डिस्पोजल होता था टॉक्सिक स्लज का, ट्रेड एफ्लुएंट्स का, ठीक है, वी कैन से द रेसिड्यू जो भी निकलता है सीवेज का वो सब इकट्ठा हो गया था इस जगह पे, जिससे पानी को अनफिट बना दिया था. सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रिस्पोंडेंट्स वर एब्सोल्युटली लायबल टू पे द कॉम्पनसेशन फॉर द हार्म कॉज्ड बाय देम टू द विलेजर्स इन द अफेक्टेड एरिया एंड सराउंडिंग एरियाज एज वेल टू द एनवायरमेंट. उन्होंने इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो रिस्पोंडेंट है, वो कम्प्लीटली एब्सोल्युटली लायबल है कि वो कॉम्पनसेशन दे जो भी हार्म विलेजर्स ने फेस किए हैं या जो भी नियर बाय सराउंडिंग एरिया के पीपल हैं उन्होंने फेस किए हैं ड्यू टू दैट डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट्स एंड स्लज इन दोज एरिया इन दोज वाटर बॉडीज. तो उसका जो भी जुर्माना है, वो जो भी कॉम्पनसेशन है उनके हार्म के इक्विवेलेंट, वो पे करें. एंड अकॉर्डिंग टू द कोर्ट द पावर टू लिवाय द कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट सच रेमेडियल मेजर्स इज इम्प्लिसिट इन द वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट. और जो भी कॉस्ट लिवाई की जाएगी इस रिस्पोंडेंट से विद इन द पर्टिकुलर केस, तो वो सब रेमेडियल मेजर्स के विद इन कंप्लाई होगा एज पर द वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, राइट. सो दिस वॉज इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ
इंडिया. इन द लास्ट केस वी आर डिस्कसिंग हियर इज नरूला डाइंग एंड प्रिंटिंग वर्क्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1995. सो इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट अ मेयर कंसेंट ऑर्डर इशूड बाय स्टेट बोर्ड अंडर सेक्शन 25 डजंट इंटाइटल द एप्लीकेंट टू डिस्चार्ज द ट्रेड एफ्लुएंट इन टू द स्ट्रीम एंड इट इज इनकमबेंट अपॉन द एप्लीकेंट टू comply with the conditions which is mentioned in the consent order as also to set up the effluent treatment plants within the time prescribed in the consent and the failure to comply with the requirement of putting the plant result in the lapse of consent. आपको याद होगा ऊपर पढ़ा था सेक्शन 25 जिसमें बात करते हैं कि अगर कोई भी नई इंडस्ट्री सेटअप करानी है तो उसमें पहले जो है स्टेट बोर्ड से या सेंट्रल बोर्ड से परमिशन लेना होगा, कंसेंट लेना होगा, राइट. और अगर स्टेट बोर्ड ने कंसेंट दिया भी है तो साथ साथ उन्होंने कंडीशंस लगाई हैं, कुछ मेजर्स बोले हैं कि आपको लेने होंगे, आपको ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने होंगे. तो अगर सिर्फ एक कंसेंट दे दी स्टेट बोर्ड ने, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो एप्लीकेंट है वो बिल्कुल यू नो फ्री हो गया है, इंडिपेंड हो गया है कि वो ट्रेड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज कर सकता है स्ट्रीम्स में या बाकी वाटर बॉडीज़ में. नहीं, इट इज़ नॉट फ्री. इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द एप्लीकेंट कि वो कंप्लाई करे जो भी कंडीशंस उस कंसेंट के अंदर स्टेट बोर्ड ने मेंशन की थी कि बिल्कुल प्रॉपर इफेक्टिव एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा सकें ताकि जिस जगह पे वो इंडस्ट्री सेटअप है वहाँ से कोई भी तरीके का ट्रेड एफ्लुएंट अगर रिलीज हो भी, डिस्चार्ज हो भी, तो वो किसी को हार्म कॉज ना करे और वो कंट्रोल्ड हो सके. और अगर जो कंपनी या इंडस्ट्री ने कंसेंट मांगी थी और अगर उन्होंने उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, उन्होंने वो प्लांट सेटअप नहीं किए ट्रीटमेंट प्लांट्स, मतलब बेसिकली उन्होंने बोर्ड की कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया, उसका फेलियर किया, तो ऐसे में ये माना जाएगा कि उनको कंसेंट नहीं दी गई. इट शैल रिजल्ट इन द लैप्स ऑफ कंसेंट. वो कंसेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, खारिज हो जाएगी, राइट. एंड देन दे विल नो मोर बी एलिजिबल टू सेट अप सच अ इंडस्ट्री. तो गाइज ये हो गया हमारा लास्ट केस. आई होप केसेस समझ में आ गए होंगे क्योंकि प्रोविजंस पढ़ लिए ना, तो अभी केसेस समझना इज वेरी इजी. कंक्लूजन देख लेते हैं. चलिए, वाटर इज़ अ मेजर ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी, वी ऑल नो, एज इट इंगेज विद द मोस्ट प्रेवलेंट एक्टिविटी इन इंडिया, दैट इज़ द एग्रीकल्चर, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी सेक्टर एज वेल एज अ नेविगेशन ट्रेड. पानी हमारे सबसे कहते ना कि वैसे तो जल ही जीवन होता ही है, लेकिन पानी हमारी इकोनॉमी का भी मेजर ड्राइवर है बिकॉज हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है ऑफ इकोनॉमी दैट इज़ एग्रीकल्चरल सेक्टर. इसके अलावा जो नेविगेशन सेक्टर है, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है आइदर थ्रू शिप्स, प्लेन्स, व्हीकल्स, उन सभी में पानी का बहुत मेजर रोल है, राइट. विद द ऑनसेट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाटर पोल्यूशन हैज़ बीन अलार्मिंगली इंक्रीज्ड ड्यू टू द डिस्पोजल ऑफ ट्रेड एफ्लुएंट, पेस्टिसाइड, अदर टॉक्सिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डिस्चार्जेस. और जब से ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की लहर आई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, तब से वाटर पोल्यूशन का तो इतना लिमिट क्रॉस हो गया है कि कोई लेवल ही नहीं है, बिल्कुल यू नो एक एक लिमिट से क्रॉस हो चुका है वो. कारण क्या है? इतनी सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, जिससे अथाह ट्रेड एफ्लुएंट्स, गंदगी, यू नो और टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, गैसेस रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से वो पूरे एनवायरनमेंट को, वाटर बॉडीज़ को बिल्कुल अनफिट कर देता है, हार्मफुल और पॉइजनस बना देता है. अनऑथराइज स्लम, फार्म फर्टिलाइजर्स, डेंस सेटलमेंट, दे हैव एडेड टू द डिग्रेडेशन इन द वाटर क्वालिटी. इसके अलावा मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन के अलावा जो बहुत सारे बिल्कुल अनऑथराइज स्लम बना दिए गए हैं, झोपड़ी झुग्गियाँ बना दी गई हैं, फार्म फर्टिलाइजर्स जो यूज़ किए जाते हैं, डेंस सेटलमेंट, कम जगह में ज़्यादा लोगों का रहना, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये सारे भी बहुत बड़े यू नो मेजर कॉजेज हैं बिहाइंड द डिग्रेडेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी, हैविंग अ कम्युलेटिव इम्पैक्ट ओवर द ईयर्स इन द कंटेम्प्रेरी टाइम. और अगर आज की बात करें, सो इट हैज़ बीन अग्रेवेटेड फर्दर ड्यू टू द सर्च ऑफ COVID-19. COVID-19 की वजह से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, क्योंकि ऐसी डिजीज़ जो फैली है जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं. द क्वालिटी ऑफ द 19 मेजर रिवर्स इंक्लूडिंग गंगा हैज़ डिटोरियरेटेड अंडर पैंडमिक. विद दिस ग्रिम रियालिटी, विद दिस वेरी सीरियस, और आई कैन से विद दिस वरिंग रियालिटी ऑफ द स्कार्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इट बिकम्स वेरी नेसेसरी माई डियर फ्रेंड्स टू रिफॉर्म द लॉज एंड टू इन्फॉर्म द इन्फोर्स अ स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन बाय बोथ द अथॉरिटीज एज वेल एज द इक्विवेलेंट कंप्लायंस बाय द पब्लिक. इसीलिए जो इतनी वर्स्ट सिचुएशन अराइज हो गई है स्कार्सिटी ऑफ वाटर की, अनफिटनेस ऑफ वाटर क्वालिटी की, कि ये ज़रूरी बन जाता है
कि जो भी लॉज है इनसे रिलेटेड उनको रिफॉर्म किया जाए, उनको फिर से यू नो री एनालिसिस किया जाए और उनको रिफॉर्म किया जाए और एक स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन किया जाए लेजिस्लेशंस का, रूल्स का एंड ड्यूटीज़ विच आर नीड टू बी कम्प्लाइड बाय द जनरल पब्लिक ऑफ द कंट्री। तभी कुछ हो सकता है, किसी एक के करने से सिर्फ अथॉरिटीज़ और अथॉरिटीज़ अपना रोल प्ले करेंगे उससे कुछ नहीं होगा। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, स्ट्रिक्ट ड्यूटी ऑफ द पब्लिक इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट इन दिस जर्नी ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द वाटर ऑफ आर कंट्री। तो गाइज ये था हमारा पूरा लेक्चर ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, भले ही लेक्चर लंबा है पर ऐसा कुछ नहीं है जो इररिलेवेंट है। एवरी सिंगल पॉइंट, एवरी सिंगल लाइन दैट वी हैव डिस्कस हियर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और आई होप आप लोगों को ये आपके एग्जाम्स की प्रेपरेशन में हेल्प करेगा। वीडियो कैसा लगा? इतनी हार्डवर्क दैट आई हैव पुट इन आइदर इन मेकिंग दिस PDF और इन प्रोवाइडिंग यू दिस लेक्चर, सो जस्ट डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आया, थोड़ा भी पसंद आया, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, राइट। दिस रियली मोटिवेट्स मी आप लोगों के कॉमेंट्स। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि अगर आप लोगों को इस लेक्चर का या किसी भी और लेक्चर का या सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो उसकी इंक्वायरी आप हमारे या तो इंस्टाग्राम पेज या फिर हमारे ईमेल ID पे कर सकते हैं। दोनों की ही डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। सो गाइज दिस वॉज इट, आई विल मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।